रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि रेकी एक प्रैक्टिकली एक जादुई चीज़ है, ये वो कर सकती है जो अनबिलीवेबल है। क्योंकि मेरे को कहीं मैंने पढ़ा था तो एक चीज़ थी, अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है कि डॉक्टर इलाज नहीं करते, इलाज परमात्मा करता है। डॉक्टर तो सिर्फ प्रोसेस करता है कि वो इलाज होने में कुछ सहायता मिल सके, लेकिन रेकी, एंजल्स, साई, इनसे जुड़ने के बाद वो प्रोसेस करने का भी मुझे लगता है कि शायद जो रियली मुझे तो लगता है कि शायद मैंने गलत ही MBBS कर लिया, अगर मैं शायद करता ही नहीं MBBS, जाता ही नहीं इस लाइन में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंसान को बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। बहुत आसानी से हीलिंग वो स्वयं कर सकता है रेकी सीख के, एंजल्स की ब्लेसिंग से। ये हीलिंग सिंपल नहीं होती, ये एक चमत्कार होता है। रूट कॉज तक को हटा देता है, जो उस रोग का रूट कॉज होता है जहाँ से वो आ रही होती है। क्योंकि एज अ एलोपैथिक डॉक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का बेसिक है कि मेडिकल में एक वर्ड होता है, बेसिकली इस तरह के दो वर्ड होते हैं, क्रिप्टोजेनिक। मतलब कोई बीमारी ओरिजिन हुई तो कहाँ से हुई। तो जब हम बीमारियों को स्टडी करते हैं, जो ये वीडियो सुनने वाला है हो सकता है वो उसको इस बारे में नहीं पता हो, तो हमारी मेडिकल स्टडीज़ में जैसे डायग्नोस बनाते हैं तो एक पूरा एक पैटर्न होता है हर बीमारी के ऊपर। तो एक पहले आता है बीमारी का नाम, फिर आता है सेकंड नंबर पर एटियोलॉजी, मतलब उसके कॉजेज, उसको एटियोलॉजी कहते हैं। तो मैंने आज तक देखा है कि मुझे तो लगता है कि 90% बीमारियों का पहला कॉज, और ये आप मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बुक भी उठा के देख सकते हैं, पहला कॉज ही लिखा होता है, उसका पहला ही कॉज अननोन होता है। सेकेंड से शुरू होता है कि इस वजह से, थर्ड से शुरू होता है कि ये कॉज है, थर्ड फोर्थ है ये, लेकिन वो पहले दो कॉज हमेशा देखिए। इतने ज़्यादा बीमारियों के अगर पहले दो कॉज ही अननोन है, क्लियर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है एलोपैथी में जो बहुत बड़ी है, जो मिसिंग है, जो पता ही नहीं है जो उसके बारे में। और रियली मैं अपना बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रेकी और इन चीज़ों में कोई बिलीव कुछ नहीं था। इवन मैंने साइकेट्री पढ़ी थी, उसी में मेरा MD करने का मूड था, अब नहीं है। तो मैं अपने, मतलब अगर हिंदी में बोले तो वाक चातुर या अपने बड़े बोलने की एबिलिटी के कारण ना लोगों को प्रूव कर देता था। अगर कोई मुझे अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सुनाए कि नहीं आपको कोई मानसिक रोग है, आप किसी तरह से पागल हो, विष्णु, और ये मेरे लिए बड़ा मतलब एक मनोरंजक काम था कि लेकिन कुछ ऐसा था मेरे साथ जुड़ा हुआ कि मैं योग और इनसे जुड़ी हुई लाइन में घुसा। वो घुसना भी एक कॉमर्शियली था, मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए घुसा था। और वहाँ पर भी ऐसे एक्सपीरियंस होते थे, मुझे उनका कुछ पता नहीं, मेरे थ्रू भी हो जाते थे, लेकिन मैं समझता यही था कि ये सब पागल हैं और मैं कितनी आसानी से इनको बेवकूफ़ बना देता हूँ और कितना मुझे पैसा मिल रहा है। ऐसा मेरा कुछ लाइफ टाइम में ऐसा रहा, जो पता नहीं, मुझे लगता है कि आज शायद मैं गलत था वो, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैं उनका भला करना चाहता था, लेकिन मेरे को अंदर से विश्वास नहीं था सब कुछ देखने के बाद भी। रेकी में आया, रेकी से जुड़ा, तो वो चीज़ें मेरे को साई के मंदिर गया, साई ने ही मुझे लगता है मुझे रेकी के अंदर डाला कि देख तुझे प्रैक्टिकल बताऊं कि प्रैक्टिकली तेरे जैसे एक नॉन बिलीवर को, एक बहुत ही जड़ किस्म के इंसान को जो किसी भी हद तक नहीं मान सकता इन चीज़ों को, उसको कैसे मोल्ड करना है, ऐसे इंसान से मुलाकात कराऊं जो तेरे को तेरी ही लैंग्वेज में तेरे को चीज़ें बताए, ताकि तेरे जैसा जड़ इंसान भी सीख सके। तो फिर NK शर्मा जी और विकास जी से मुलाकात हुई, और भी इससे जुड़ी हुई चीज़ों से एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो धीमे धीमे प्रैक्टिकल कर, और आज का ये एंजल हीलिंग कोर्स करके तो मेरे को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल सच है, अब शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। आज मैं अपने पुराने पास्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा गैप था, मुझे वो चीज़ें दिख ही नहीं रही थी, मुझे उनका कुछ पता नहीं था, उनका आभास, उनका अनुभव मेरे को बेमतलब में होता रहता था, जो मुझे किसी डायरेक्शन में भेज रहा था, लेकिन मैंने अपने बिलीव बना रखे थे कि सब बेकार है, ये है और यही प्रैक्टिकल। और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आज भी लोगों के अंदर यही है, मेरे जैसे शायद
काफ़ी लोग होंगे जो अभी भी यही मानते हैं कि बस द लास्ट होप इज़ एलोपैथिक मेडिसिन, दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल आपको खानी ही है, ये हो गया तो आपको ये करवाना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि रेकी हर एक को सीखना चाहिए, एंजल थेरेपी ये जो कोर्सेज हैं ये हर एक के लिए होने चाहिए, बल्कि ये तो असेंशियल होने चाहिए, स्कूल में ही आ जाना चाहिए, स्कूल में ही एक बचपन से ही बच्चों को ये कोर्सेज सिखाए जाने चाहिए, क्योंकि ये तो किसी भी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे बारे में, ये नहीं तो फिर बहुत ही अंधेरे में चलता हुआ आदमी है। तो मुझे लगता है कि ये रोशनी है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने यहाँ पे रेकी लेवल 1 लेवल 2 सीखा था और फिर उसके बाद मैंने 21 डेज प्रैक्टिस की और फिर लेवल 3 यहाँ से सीखा। उससे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरे मन में काफ़ी टाइम से एंजल हीलिंग के लिए मन हो रहा था, तो आज मैंने एंजल हीलिंग सीखा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अब एंजल्स को अपने आसपास फील किया है और मुझे अपना गाइडिंग एंजल भी मिला है और मैंने उनके फैदर्स अपने शरीर पे फील किए हैं और मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझे अच्छे से गाइड करेंगे और इसके लिए मैं अब खुद की लाइफ ज़्यादा अच्छी बना सकती हूँ या जो मेरे आसपास है, मेरी फैमिली के हैं या जो भी मेरे आसपास है उनको हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू। आपके जो आपके गाइडिंग एंजल्स आपको पता चले उनके नाम क्या है, बताएं। मैंने गाइडिंग एंजल को नाम तो नहीं पूछा मैंने अभी तक, पर वो मेरे मतलब मेरे पहले ड्रीम्स में या ऐसे अदरवाइज मुझे लगता था कि कोई है फीमेल है, तो मुझे ऐसे फीमेल फॉर्म में दिखाई दिए और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी और मेरे आसपास बैठे और फिर मैंने अपने उनके हाथ अपने हाथ में लेके मतलब मैंने जैसे घूमी वो आसपास घूमी और साथ में और भी बहुत सारे जैसे 7-8 ईयर्स के बेबी एंजल्स थे बहुत सारे मेरे आसपास, तो मुझे लगे और जो मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने एंजल माइकल को बुलाया था तो उन्होंने मुझे एक एंजल स्पेशल एंजल दिया मेरी प्रोटेक्शन के लिए और वो नंदी फॉर्म में दिया, तो मैंने बहुत ही अच्छे से विजुलाइज किया उनको और मुझे अभी भी लगता है कि हाँ वो मेरे आसपास है। तो आपके जो आज का एंजल कार्ड रीडिंग जो आपकी हुई, हाँ, तो उसमें आप कहाँ तक क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हुए, कहाँ तक सॉल्व हुए? एक्चुअली एंजल कार्ड रीडिंग मेरी अभी इतनी हुई नहीं है, पर मैंने किसी की है तो उनका था मतलब उनकी बातों से लगा जैसे मैंने किसी जिनकी एंजल कार्ड रीडिंग की है वो बहुत मतलब सही हुई है जैसे। थैंक यू। डॉक्टर अनिल ओबरे, मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ। तो यहाँ पर इंसिडेंटली मैं आया था एक ट्रेनिंग करने के लिए, रेकी कोर्स 1 करने आया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे यहाँ पर ऐसे लगा कि सारे कोर्स कर लिए मैंने, फिर मैग्नीफाइड हीलिंग कर ली, फिर AFT कर ली, फिर मनी रेकी कोर्स कर लिया और उसके बाद कुंडलिनी रेकी था, तो कुंडलिनी रेकी में इतने दिन नहीं आया क्योंकि बीच में 3 कोर्स आए थे, क्योंकि मुझे लगा कि पहले पुराने वाला जो है वो ट्रेनिंग कर लूँ पहले पूरी, उसके बाद फिर मैं कुंडलिनी, तो इसलिए मैं अब जो है 6 महीने बाद जो है कुंडली रेकी के कोर्स के लिए आया। और मुझे इस दौरान जो है मैंने एंजल्स का कोर्स भी किया था और मुझे एंजल्स का कोर्स बहुत ही अच्छा लगा, और क्योंकि मैं एंजल से भी हेल्प भी लेता हूँ, वो हेल्प भी करते हैं कई सिचुएशंस में, एंजल्स की सहायता से हील भी करता हूँ, उसमें ठीक भी होती हैं और वो, और जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे करते हैं, जैसे गुरु जी बताते हैं वैसे वैसे करते हैं और अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, है ना। और जो रेकी सीखी थी, रेकी से भी करते हैं, तो मैंने देखा है कि कई सिचुएशंस तो अपने आप वास्तव में हील हो जाते हैं, मतलब जैसे कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई जैसे आपके ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ें हैं कि आज छोटी मोटी अड़चन आ जाती है, तो मैंने देखा है कि इन चीज़ों को, इन सब को यूज़ करने से, रेकी को यूज़ करने से, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही है, तो दे आर द बिग प्रॉब्लम सॉल्वर। रेकी का मेरी लाइफ के ऊपर अब काफ़ी इम्पैक्ट है, क्योंकि अब मैं ये सोचने लगा हूँ कि चलो अच्छा मैं अब अपना लोगों को सिखाऊंगा और एक अपना जैसे होता है लोगों को हीलिंग भी दूंगा, तो अब जाके मैंने सोचना शुरू किया है। मैंने गुरुजी से इसके बारे में बात भी करी, उन्होंने कहा ठीक है यू कैन गो हेड,
अब ये है कि अब मैं इसको शुरू करूँगा। मैंने आज आया था मैं कुंडली रेखी कोर्स के लिए, और कुंडली रेखी कोर्स बहुत अच्छी तरह से मैडम ने सिखाया है और उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे आज। और क्योंकि उसमें जितनी ट्रीटमेंट है बड़ी शॉर्ट है, जो ट्रीटमेंट हम उसमें रेखी में थोड़ा लंबा टाइम लगता है इसको, कि उसमें काफ़ी दिन देनी पड़ती है। इसमें ये है कि भी अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप इस थेरेपी को आप कोई भी इसको यूज़ कर सके, अपने सिचुएशन को हील कर सकते हैं। धन्यवाद, मुझे यही कहना। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार गोकुलिया है। मैंने इससे पहले यहाँ से कोर्स किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स रैकी के बारे में, रैकी ग्रैंड मास्टर। आज मैंने एंजल हीलिंग का कोर्स कंप्लीट किया है, जिसके एक्सपीरियंस मेरे बहुत ही अच्छे रहे हैं, मैं बयान ही नहीं कर सकता। सर ने हमें बताया था कि आपको अपने एंजल के बारे में अपने आप पता लग जाएगा, और मुझे बिल्कुल अपने आप पता लगा। कल से मेरे कानों में आवाज़ गूंज रही है बार बार। आज मैंने सर को बताया कि मेरे एंजल का नाम ये है। मुझे भी खुद अच्छा लग रहा है मेरे एंजल का नाम सुन करके। वाकई में हमें नहीं पता था कि हमारे साथ हमारे एंजल्स रहते हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसके बारे में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ AVM का, विकास दुग्गल सर का और पूरे AVM स्टाफ का। थैंक यू वेरी मच। मैं अरविंदर घोष हूँ, GB पंत हॉस्पिटल में मैं एज ए नर्सिंग सिस्टर हूँ। काफ़ी समय से मैं रिकी के बारे में क्यूरियसिटी थी मेरी कि ये क्या है, कैसे है, बुक्स भी मैं पढ़ती रहती थी। फिर एक दिन अचानक मुझे इंटरनेट पे आध्यात्मिक विकास मिशन के बारे में पता लगा। इमिडिएटली मैंने अपने आप को यहाँ एनरोल किया, रिकी सीखी। मैं फर्स्ट एंड सेकंड लेवल सीख चुकी हूँ। आज मैंने कुंडलिनी रेकी के बारे में सीखा, बहुत 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 अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। बहुत एक कॉन्फिडेंस से मैं आज विकास मिशन से निकल रही हूँ कि मैं अब अच्छे से अपनी हीलिंग अपने आसपास और इवन मैं अपने जो हॉस्पिटल में मेरे वार्ड में पेशेंट्स होते हैं उनकी हीलिंग पे मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी। थैंक यू रेकी, थैंक यू विकास सर, थैंक यू आध्यात्मिक विकास मिशन, थैंक यू मकाऊ यूसुई सर, थैंक यू मैडम टकाटा, थैंक यू वेरी मच। सुनील शर्मा रोहतक से आया हूँ। इससे पहले मैंने जिनसे रेकी सीखी थी मास्टरशिप की, डॉक्टर चंद्रभान शर्मा, सूरजभान शर्मा जी, उन्होंने गुरु जी का नाम, गुरु विकास दुग्गल जी का मुझे नाम दिया और मैं वहाँ यहाँ तक पहुँचा। मेरे लिए आज मेरा जन्मदिन भी है, और आज 52वें जन्मदिन के ऊपर ये कि मुझे प्रभु की तरफ से और मेरे गुरु विकास दुग्गल जी की तरफ से मैं मांगूंगा एक ये दिव्य शक्तियों का जो पुंज मुझे उपहार के रूप में मिला है, मैं आश्वासन देता हूँ अपने गुरु जी को कि मैं इसको समाज कल्याण के लिए पूर्णतः प्रयोग और समर्पित भाव से रहूँगा। रही दूसरी बात जी, आज मुझे जो महसूस हुआ है, आज जब से गुरु जी ने अटूटमेंट करते वक्त सर पे हाथ रखा था, उसके बाद से प्रत्येक क्षण मेरा दिव्य शक्तियों से प्रफुल्लित है, और मुझे बीच में ऐसा लगा था कि जैसे कि पीले रंग की एक आभा जो पुंज है वो चारों तरफ मेरे घूमते हुए मेरे अंदर एंटर कर रही है, फिर दूसरी एक आबाई और जो मुझे एंटर करते हुए, और मैं बिल्कुल लाइट और अपने आप को शक्ति से परिपूर्ण समझता हूँ। थैंक यू रखी, थैंक यू। मेरा नाम आरती है, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। यहाँ मैं 2 डेज़ का एंजल थेरेपी का कोर्स करने के लिए आई, जिसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं चाहूँगी कि हर कोई आके ये कोर्स करे, उनको भी उससे बहुत हेल्प होगी और बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू विकास जी। रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।